चोरी का अफवाह बाजार में गर्म होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से कई प्रकार के मैसेज वायरल हो रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 से 200 रोगियां मुस्लिम कुछ क्षेत्र में घुस गए हैं। छोटे-छोटे बच्चों को अबाला फुसला कर ले जा रहे। इस प्रकार के मैसेज रैगेड इलाकों में बह के तरफ वातावरण फैलते ही जा रहा है। जैसे की बताया जा रहा है की माता पिता अपने बच्चों को कोचिंग भी नहीं भेज रहे हैं। इसी दोपहर आपको बता रहे की 1 बजे तकरीबन आस पास अंधेर उम्र में एक महिला अनपुल मोगावा रोड वार्ड रिपोर्ट। वो बाबा भी बैठा है वहाँ पर, वहाँ रेलवे स्टेशन पर वो बाबा भी बैठा है। बाबा को नहीं चाहता। अरे राम रे, मेरी बात सुन, मेरा फोन पड़ा है दुकान पे, बस स्टैंड पे, मेरी जेब में पड़ा है। और मेरा सामान जो है खैरी घाट में बाबा के आश्रम में पड़ा है। चलो अभी भाई, दोपहर को एक महिला पकड़ाई थी, कहा जा रहा था बच्चा चोरी करते हुए पकड़ाई है, क्या कुछ मामला था? वो उत्तरांचल से आई थी और उसके बाद में एटा की रहने वाली थी, निर्मला नाम बताया था उसने। और उसका ये कहना था कि मैं यहाँ पे घूमने आई थी, घूमते घूमते ओंकारेश्वर से आ रही थी और इनपुर रोड पर से होती हुई जा रही थी, तो उसके मेले कपड़े कुचेले थे और संत समाज से होने के कारण लोगों को उसके ऊपर शक हुआ, यहाँ लाया गया उसे और उससे पूछताछ करते और तस्दीक की गई कि वो ओंकारेश्वर में आश्रम में आई थी रहने के लिए, आश्रम से पूछताछ करते वहीं पे आई थी, तो इसके लिए उसको पूछताछ के बाद में यहाँ से रुखसत कर दिया गया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।